मित्रों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं DSSB TGT नेचुरल साइंस का पेपर जो कि 2018 का है। ऑनलाइन प्रश्न पत्र है, इसमें 200 प्रश्न होंगे जिसमें हम आज जनरल पेपर पे बात करने वाले हैं और जनरल पेपर में भी हम जनरल हिंदी के ऊपर बात करने वाले हैं जिसमें कि 20 प्रश्न होंगे। हम इन 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप इन प्रश्नों को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी कुछ इसी तरह के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो देखते हैं इसके जनरल हिंदी के प्रश्नों को। मित्रों देखिए जनरल हिंदी शुरू होता है 20 प्रश्न। यहाँ पे गद्यांश से प्रश्न है तो यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इसे पढ़ करके हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखते हैं कितना बड़ा गद्यांश है। मित्रों आप इस गद्यांश को पढ़ करके वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इसको पढ़िए और स्वयं से भी आंसर देने की कोशिश करें। तो हम दिखाते हैं आपको इसका पहला प्रश्न गद्यांश का। वाजपेयी जी के अनुसार छायावाद की मुख्य प्रेरणा है, तो आप फिर से देखिए और इसको पॉज करके आंसर को आप चूज़ कर सकते हैं। चार ऑप्शन में से सही आंसर होगा सांस्कृतिक, दूसरा ऑप्शन सही होगा। फिर से देखिए गद्यांश का ही प्रश्न। गद्यांश में उल्लिखित नवीन कविता का आशय है, चार ऑप्शन में से सही आंसर होगा छायावाद। नंद दुलारी वाजपेयी ने शुक्ल जी के किन विचारों की आलोचना की, सही आंसर होगा छायावाद रहस्यवाद। फिर से देखिए अगला प्रश्न। नंद दुलारी वाजपेयी किसके प्रारंभिक और समर्थक थे, सही आंसर है इसका छायावाद। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसकी पुस्तक है, तो गद्यांश के अनुसार सही आंसर होगा नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो चार ऑप्शन में से सही आंसर है सार्वजनिक, फोर्थ ऑप्शन सही होगा सर्व प्लस जन प्लस इक, इस तरह से हम इसे अलग कर सकते हैं। और जब इसमें इक प्रत्यय जुड़ता है मित्रों तो यहाँ पे आरंभिक जो शब्द होगा वह दीर्घ रूप हो जाता है, इसलिए यहाँ पे सार्वजनिक होता है, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। बाकी अन्य ऑप्शन अशुद्ध वर्तनी वाले हैं। विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, चार ऑप्शन में से देखिए दूसरा ऑप्शन सही होगा चतुरानंद, जो कि विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अन्य गोविंद केशव माधव विष्णु के पर्यायवाची हैं। देखिए चतुरानंद ब्रह्मा जी को कहा जाता है तो उनका पर्यायवाची हम मान सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। अभिभावक में उपसर्ग है, तो देखिए अभिभावक में अभी उपसर्ग होगा, अभी प्लस भावक, सही आंसर होगा इसका दूसरा ऑप्शन। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, चार ऑप्शन में से दूसरा सही होगा आत्मा, बाकी अन्य पुल्लिंग होंगे। आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए शब्द को वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, इसलिए आप इस विषय को टॉपिक को ज़रूर पढ़ें। परीक्षा की प्रणाली बदलना पड़ेगा, वाक्य में अशुद्ध अंश है, सही आंसर है ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन बदलना, यहाँ पे बदलनी होना चाहिए, बाकी सभी सही है। मेधावी में प्रत्यय होगा, तो देखिए वी मेधा प्लस वी मेधावी, वी प्रत्यय है, सही आंसर होगा पहला ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, सही आंसर है यहाँ पे साग, बाकी अन्य ऑप्शन सभी तत्सम होंगे। और मित्रों तत्सम और तद्भव से संबंधित वीडियो हमने पहले ही बना रखी हैं, आप उन सभी वीडियो को अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए ज़रूर देखें, जिसमें लगभग 500 शब्द से ज़्यादा शब्दों के जोड़े हैं तत्सम और तद्भव के, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। आप उन वीडियो को देख करके अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए इसकी तैयारी कर सकते हैं।
निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? देखिए चार ऑप्शन में से सही आंसर है नदी, जातिवाचक संज्ञा है। बाकी अन्य देखिए दासत्व भाववाचक संज्ञा हो जाएगा क्योंकि उसमें प्रत्यय लगा है। गुच्छा यहाँ पे समूहवाचक हो जाएगा, जबकि काशी यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा, किसी जगह का नाम है। और नदी यहाँ पे जाति का बोध कराता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही होगा। जिसका संबंध संसार के विषयों से हो के लिए एक शब्द होगा, सही आंसर है सांसारिक। बाकी अन्य ऑप्शन सही नहीं है। तो सांसारिक का मतलब जिसका संबंध संसार के विषयों से हो। मनस्ताप का संधि विच्छेद होगा मनः प्लस ताप, तो ये विसर्ग सा में बदल जाता है, विसर्ग संधि है, तो इसका जो विच्छेद है मनः प्लस ताप होगा, फोर्थ ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? तो देखिए प्रेरणार्थक यानी जो हम किसी से कराते हैं, जैसे जगाना, हम किसी को जगाते हैं तो जगाना, एक जागना होता है जो हम अपने आप जागते हैं, लेकिन जब हम किसी को जगाते हैं तो उसे कहते हैं जगाना। हम किसी और से भी ये कार्य करा सकते हैं। बाकी अन्य पढ़ना, सुनना, लेटना, ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो देखिए तत्सम होगा सुगंध, पहला ही ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा शब्द अव्यय है? तो अव्यय यानी जिनमें परिवर्तन नहीं होता, यानी क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, ये सभी अव्यय शब्द होते हैं। तो यहाँ पे उधर अव्यय शब्द है, बाकी अन्य विशेषण या संज्ञा शब्द हैं। उधर यहाँ पे क्रिया विशेषण है। बंदरगाह में कौन सा समास होगा? तो देखिए बंदर के लिए गह तत्पुरुष समास, जब हम इसका विच्छेद या विग्रह करेंगे तो सही होगा बंदर के लिए गा, इसलिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। हंसना का विलोम है रोना, चार ऑप्शन में से सही होगा फोर्थ ऑप्शन। मित्रों हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, इस पेपर के अन्य भाग भी हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं DSSB के नए प्रश्न पत्र के साथ। हमसे जुड़ने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।